बिल्कुल डेट को सेव कर लेना, 27 नवंबर 2024 होंडा अपनी एक्टिवा इलेक्ट्रिक लाने वाला है। क्या भाई मजाक कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। होंडा ने कल ही रिवील कर दिया कि 27 नवंबर को उनकी एक्टिवा इलेक्ट्रिक मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी, वो भी इंडियन मार्केट में, तो हम सब कस्टमर उसको ले सकते हैं। उसके बावजूद होंडा की एक्टिवा इलेक्ट्रिक भले ही थोड़ी लेट आ रही है, बट आप लोग को पता है कि शेयर दो कदम पीछे लेता है तो छलांग मारने के लिए लेता है। अब सभी ईवी का गेम ओवर सच में होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम इंडियंस और एक्टिवा का जो प्यार है वो किस हद तक है। हर दूसरे घर में एक्टिवा आपको देखने को मिल जाती है। जनरली आप रोड में निकल जाओ, हर जगह एक्टिवा, हर एक मिनट में एक्टिवा दिख जाएगी। और एक्टिवा की इलेक्ट्रिक नहीं आएगी मार्केट में तो कैसे काम चलेगा। हीरो की वीडा आ चुकी है, ओला अपनी एक अलग कंपनी है, टीवीएस की इलेक्ट्रिक आ चुकी है, बजाज की इलेक्ट्रिक आ चुकी है। होंडा सबको देखा कि रुको बेटा तुमको अब बताता हूँ, और उन्होंने डिसाइड किया 27 नवंबर को हम अपनी होंडा की इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करते हैं। अब आप लोग नाम सोचोगे कि क्या इसका नाम एक्टिवा होगा या एक्टिवा के बेस पे होगा। बिल्कुल इसका नाम एक्टिवा जैसा ही होगा, एक्टिव हो सकता है, एक्टिवा हो सकता है, बट होंडा एक्टिवा के बेस पे ही रहने वाला है ये, क्योंकि मार्केट सेलिंग का स्ट्रेटेजी है। होंडा में एक्टिवा सबसे ज़्यादा सेल क्यों होती है, उसका रीज़न है वो बहुत पॉपुलर है, जबकि सेम इंजन आपको डियो में, ग्राजिया में, सब में देखने को मिलेगा, बट लोगों की मेंटेलिटी क्या रहती है, नहीं भाई एक्टिवा बेस्ट है। वही चीज़ है, लोग को बस नाम से मतलब है, बाकी अंदर कुछ भी रहे मटेरियल उनसे मतलब नहीं है। तो जो इंजन होंडा प्रोवाइड करता है 110cc का, सेम चीज़ आपको डियो प्रोवाइड करता है। जो चीज़ ग्राजिया प्रोवाइड करता है वो सेम चीज़ डियो 125 प्रोवाइड करता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, अंदर तो भाई जान सेम है, ऊपर बॉडी कुछ भी रहे, और लोगों को बहुत ही सुटेबल बॉडी लगता है। और एक्टिवा यार वर्ड सुनते ही लोग सोचते हैं कि कुछ ख़राब नहीं होगी, तो उसी तरह होंडा की जब एक्टिवा इलेक्ट्रिक आएगी तो भी लोग कन्फर्म रहेंगे कि यार फिकर छोड़ो, ओला थोड़ी है कि जो अपने को सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ेंगे। और इतना सोच समझ के अगर कंपनी इसको देर पे लॉन्च की है, 5-6 साल का टाइम ले के अदर कंपनी से, तो आप सोचो कि गाड़ी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। और अब हम बात करते हैं ज़बरदस्त हो या मत हो, हमको डेली यूज़ करना है, रेंज बता दो, प्राइस बता दो, हम चलते बने। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे और लॉन्च हो गई गाड़ी या कुछ लीक्स आते तो आप देख नहीं पाओगे। और जो मैंने स्टार्टिंग में फ़ोटो दिखाई थी बिल्कुल वैसे ही होने वाली है, और यहाँ पे जो आप फोटो देख पा रहे होंगे समथिंग इसका लुक कुछ ऐसा ही रहेगा, बट थोड़ा सा चेंज रहेगा। और जो इसकी IDC रेंज रहने वाली है वो 150 किलोमीटर रहने वाली है, तो आप समझ सकते हो नॉर्मल रेंज आपको 100 किलोमीटर के ऊपर मिलने वाली है। और होंडा एक बजट फ्रेंडली गाड़ी प्रोवाइड करता है, जिस हिसाब से होंडा की जितनी भी स्कूटी आती है तो रेट आपको ऐसा नहीं लगता बहुत ज़्यादा ओवर है। तो मान के चलिए आपको इसका रेट है 80,000-90,000 से ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला विदाउट एनी कंडीशन। उसके बाद होंडा एक्टिवा की डिलीवरी आपको कब से देखने को मिल जाएगी, तो ये भी कोई बोलने की बात है। तो यार एक्टिवा इलेक्ट्रिक निकलते ही आपको डिलीवर होना चालू हो जाएगा, बट अगर इसकी बुकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वेटिंग पर जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं 27 को लॉन्च हुई और 28 से डिलीवरी जरूर, बिल्कुल भी नहीं। दिसंबर से मिलनी चालू हो जाएगी। बुकिंग अमाउंट क्या रखी जाएगी, इंट्रोडक्टरी प्राइस पर पहले लॉन्च होती है कोई भी गाड़ी हो, और क्या पता ये फाइनल प्राइस पर भी हो सकती है। तो सपोज़ अगर 85,000-89,000 होती और आप लोग बुक कराते हो तो 1 मंथ के अंदर आपको आपके नियरेस्ट होंडा शोरूम पर इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। उससे पहले तो यार ये हर शोरूम में आएगी, टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, सब कुछ हो सकता है, तो आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाना मत। जनवरी फरवरी में भी लोगे तो चलेगा। उसी प्रकार जैसे कि आपको पता होगा कि होंडा एक ट्रस्टेबल कंपनी है तो लोग इसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो अगर आप ये गलती करोगे कि छोड़ना मैं बाद में बुक कराऊंगा तो मुझे मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई कम हो जाएगा, जिसके वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लेने का प्लान बना लिया है तो अभी कोई भी ईवी की तरफ शिफ्ट मत होना, एक बार एक्टिवा को देख लो कैसी आती है, क्योंकि अभी यार मार्केट में हीरो ने भी बहुत ही तगड़ी तगड़ी गाड़ी लॉन्च कर दी है। वीडा इलेक्ट्रिक भी आने वाली है, उसके ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर वीडियो पर है, तो कंपटीशन बहुत हाई जा रहा है। तो अपना पूरा एक्साइटमेंट आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन और लाइक बटन पर ठोक के दिखा दो, और मिलते हैं आपको 27 नवंबर में होंडा एक्टिवा की न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो डेली कंटेंट के।